हेलो दोस्तों, मेरे पहले ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जादू, ये मेरी पल्सर 150 है जिस पे एक मोर आके बैठा हुआ है। ये रोज़ आती है, रोज़ बैठती है और बैठ के चली जाती है। कभी कभार तो इस बाइक पे हक भी देती है। इसको मैं और करीब से आपको दिखाता हूँ। नीचे जाके देखिए कितने मज़े में बैठी हुई है। कोई इसको वो नहीं है, ये किसी से डरती भी नहीं है, रोज़ खा पी के जाती है। नीचे जा रहे हैं उस मोर को थोड़ा और करीब से देखने के लिए। हम बाहर आ चुके हैं दोस्तों, और ये देखिए हम कितना करीब है इसके, देख सकते हो आप। और ये बिल्कुल पास, कोई इसको डर नहीं है, बिल्कुल एकदम पास से देखो आप इसको। यार ये कितनी औसम है यार। मेरे बाल बुतरू देख, तो सब ऊपर से झाक रहे हैं, दोनों पापा पापा कर रहे हैं। ये ऊपर से रोटी फेंक दिया है मोर के लिए, अब मोर इधर से आएगा खाने। हम इसको थोड़ा पास से देते हैं, देखो गलती से बाबू को उधर रोटी देना था, इसने इधर दे दिया, हम दे देते हैं। ऐसे हम देने जाएंगे तो लेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे दे देते हैं। ले हमने दे दिया है और देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। ये रोटी रखा हुआ है और ये खाने की पूरी कोशिश, और ये खा रहा है, देख सकते हो आप। लगता है इसको गरम गरम रोटी में मज़ा नहीं आया। ये आटा खूब खाती है, जो गूंधा हुआ आटा रहता है ना वो बहुत खाती है। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या आपने इतने पास से कभी किसी मोर को देखा है। नहीं देखा है ना, चैलेंज है, कभी नहीं देखा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम दो सीढ़ी ऊपर आ चुके हैं कि मोर का क्लोजअप थोड़ा अच्छे से आ सके। ये देखो दोस्तों, हमने जो रोटी दिया था बार बार थोड़ा थोड़ा खा रही है। ये लगता है फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रही है। इसको बाइक से पता नहीं क्यों इतना प्यार है, ये बाइक के आगे पीछे ही घूमते रहती है। बाइक हो स्कूटी हो, हमारे यहाँ पे खाली। ये देखो ऊपर आ चुकी है और ऊपर से देखो कितनी लुक, ये देखो कॉमेडी कर रही है। इसको लगता है कि बाइक चलाने का भी मन है, बट ये क्या कर सके, नहीं चला पा रही है। इसको थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो फिर से गिरने के बाद फिर से आई। अब देख सकते हो हमारी राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बिल्कुल पास में देख सकते हो दोस्तों, अभी तक भाग ही नहीं रही है। इसको हम रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए दिन में 4 या 5 बार आती है हमारे पास। जाओ मोर पकड़ो, मोर को पकड़ो। बाबू पत्थर उठा रहा है, क्या कर रहा है बेटा, गंदा बात बाबू। ये देखो भगा ही दिया आखिर, बेचारे को बैठने भी नहीं दिया। ये हमारे शेर बेटे, क्या हुआ, भाग गया मोर। ये देखो मोर को देखते ही फिर से जाओ, चली गई, देख रही है उधर जाके। जाओ मोर को पकड़ो, जाओ जाओ जाओ। भाग गया मोर, बेचारी बोल रही है भाग गया। ये देखो उधर चला गया। ए बेटा, ए नखरे वाली, जानू जानू, ए जानू, क्या है बेटा नखरे क्यों दिखा रहे है जानू। ए फॉर एप्पल जानू। ये सोना निकाल रहा जमीन से, बोला तो। ये देखो सोने की खोज करते हुए हमारा शेर बेटा। बेटा मिला कुछ बेटा,
ए हीरो, ये देखो सोने का खोज कर रहा है। बाबू कुछ मिला? बाबू ये बाइक पे बैठने के लिए आई हुई है, बट यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं इसलिए बैठ नहीं रही है, बिल्कुल पास में है। अब देख सकते हो मेरी और इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी दूरी पे है, मात्र 5 कदम की दूरी पे, और इतने पास से गुजर रही है, देख सकते हो इतने पास। चोरी करते हुए दोनों ये दरवाजे तोड़ने में लगे पड़े हैं। हमारा जानू क्या कर रही है? ए जानू चोरी कर रही है क्या? क्या कर रही है? ये देखो ये हीरोइन को ताला इसमें नहीं लगा हुआ, अभी यहाँ पे आके ये ताले को तोड़ रहे थे, हाथों से तोड़ रहे थे। जानू अंदर कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं, अभी नहीं आई है आंटी, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी नहीं आई है। मेकअप करवाना है? हाँ बेटा मेकअप करवाना है, करवा ले। आंटी आएगी तब मेकअप करवाएगी ना, कि अभी मेकअप करवाएगी। करते हुए ये एक चींटी को मारने में लगा हुआ है, जिसको नहीं मारना चाहिए, मरती नहीं हो चींटी वैसे भी इससे, बस ये दिखाता है कि हाँ मैं मार रहा हूँ। और ये देखो नखरे वाली को गोद में आने के लिए परेशान है। जानू क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों नखरे दिखा रही है? गिर जाएगा ऊपर से, लुंगर जाएगा। जानू ए बेटा ऊपर से नीचे गिरेगा। वापस घर जाने को बेचैन हो रखे रूम में मम्मी के पास। चढ़ जा बेटा, हाँ ठीक है ठीक है, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा मेरी जान चढ़ जा। ये देख लो कितनी हार्ड वर्क कर रही है। जानू चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, देख सकते हो। ओ माय गॉड, और ये हीरोइन चढ़ चुकी है। चलो ऊपर चलो 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 जानू, चलो पहुंच गई है। और ये अपनी मम्मा के पास जाते हुए ये देख रही है कि मम्मा किस रूम में है। इस रूम में इसको कोई नहीं मिला, इसलिए इस रूम से बाहर निकल गई। अब देखते हैं दूसरे रूम में इसको।